सो बिहार बोर्ड 12th की रेनबो बुक की पार्ट 2 की आज एक लेसन करने जा रहे हैं, जो कि लेसन का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, जो प्रेस है, जो प्रेस मीडिया, वो कैसे फ्री है, जिसको लिखा है डोरोथी ले सेयर्स ने। स्टार्ट करते हैं डोरोथी ले सेयर्स, जिनका कि कार्यकाल में जन्म से मृत्यु तक का जो समय रहा वो 1893 से 1957 का रहा। एसेइस्ट, प्ले राइट्स, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, वॉज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज, सॉरी सोमरविले कॉलेज, राइट, ऑक्सफोर्ड। सो इनके बारे में कहा जाता है कि जो डोरोथी ले सेयर्स हैं, जो कि एक निबंधकार, नाटककार, कवि और जासूसी का और जासूसी कथा के लेखक थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई, जिनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, सोमरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन 1915, 1915 में सायर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1915 में ये ऐसे पहला महिला बनी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया। हर पब्लिश वर्क इंक्लूड उनकी जो रचनाएं थी, उन्होंने जो काम किया था, राइट, उनके जो संपादक थी, तो उनकी रचनाएं थी, उनकी जो प्रकाशित रचनाएं थी वो क्या क्या थी, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, ये सारे उनकी रचनाएं थी, प्रकाशित रचनाएं जो उन्होंने लिखा था। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन। ठीक है, उन्होंने किसके संपादित किया है, राइट, शी हैज एडिटेड अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन, राइट, उन्होंने उन्होंने शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन को संपादित किया है, एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो, और इन्फेर्नो का एक सक्षम कविता अनुवाद प्रकाशित किया है। इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस जो एसे है, जो निबंध लिखा हुआ है इन्होंने, इनके बारे में कहा जा रहा है। शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट, बताया जा रहा है कि शी राइट्स विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट, उन्होंने बड़े ही अस्पष्ट विचार के साथ लिखा है। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, उन्होंने बहुत ही अस्पष्ट विचारधारा के साथ लिखा है, इस मामले को, इस केस को बड़े ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, किसके विरुद्ध में, जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसके विरुद्ध में, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और जो प्रेस है जो गलत फायदा उठा रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं फ्रीडम का, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, हाउ फ्री इज प्रेस, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं सो दैट कि इसको पढ़ा जाए। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, यह एक ऐसी चीज है जिसे सभी मानते हैं, हमको सबको मानते हैं इसको, कि बिना प्रेस की स्वतंत्रता के आदमी स्वतंत्र नहीं रह सकता, नहीं हो सकता, है हमारा मानना है। वी नीड नॉट डिस्कस इट, ठीक है, हमें इस पे विचार करने की जरूरी नहीं है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन लेस्ट अपॉन द प्रेस
इन टाइम ऑफ वॉर। और हम इस पर इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे कि जब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो उस समय प्रेस पे, जो प्रेस मीडिया है, उस पर कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। एट सच टाइम ऑल लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रीअस्टोर्ड। उस वक्त सभी स्वतंत्रताएं को प्रतिबंधित की जाती है, और लोग यह भी जानते हैं कि जब शांति हो जाती है तो दोबारा सभी स्वतंत्रता, सभी आजादी हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। इन द मीन टाइम, ठीक है, इसी बीच, इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल। इसी बीच यह विचारणीय सब्जेक्ट है, और हो सकता है कि आखिर स्वतंत्र है क्या, और रियलिटी में और वास्तव में किस रूप में यह अपेक्षित है। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, और इवन अ मियर फ्रीडम टू mere freedom to tyrannize, for tyranny is in fact the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world। ठीक है, इसे स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, और इसको हम आजादी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, अथवा इसे मात्र आतंक की स्वतंत्रता कह सकते हैं, इसको मात्र आतंक की स्वतंत्रता कह सकते हैं। आतंक की स्वतंत्रता एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता अथवा एक समूह की दुनिया पर अपना विचार लादने के लिए। When we speak of freedom of the press, जब हम प्रेस की आजादी की बात करते हैं, प्रेस की आजादी के बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो हमारा मतलब उस आजादी से रहता है जो बहुत तकनीकी और प्रतिबंधित है, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, तथा सरकार के नियंत्रण और निर्देशों से मुक्त स्वतंत्रता। इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में, द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। इस मामले में ब्रिटिश प्रेस, ब्रिटिश का जो प्रेस है, वह इस अवस्था में बहुत स्वतंत्र है। इन दिस रिस्पेक्ट, सॉरी, it can attack the policy and political character of minister, interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy, conduct campaign to subvert the constitution, incite citizens to discontent and rebellion, expose a scandal and foment grievances and generally harry and belabor the servants of the state with almost perfect liberty। वह मंत्रियों की नीति एवं राजनैतिक आचरण पर चोट कर सकता है, महत्वपूर्ण वैदेशिक नीति में, दूसरे देश की नीति में इंटरफेयर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, संविधान की गड़बड़ी में विरोध की मुहिम चला सकता है, असंतोष की अवस्था में जनता के आंदोलन में सहयोग दे सकता है, घोटालों और उत्तेजक मांगों को लेकर प्रकाशित कर सकता है, सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाना उसकी पूर्णता स्वतंत्रता है।
On occasion, it can become a weapon to swears the government to conform to what it asserts to be the will of the people. मौका आने पर वह अस्त्र के रूप में सरकार पर दबाव बना सकता है कि वह जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करे, जनता के लिए कार्य करे. So far, this is all to the good. ठीक है, इन सभी इच्छाओं के होते हुए भी occasionally this freedom may produce disastrous hesitation and inconsistencies in public policy or tend to hamper the swift execution of emergency measures. But generally speaking, it works to secure and sustain that central doctrine of democracy, as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. Right? इन सभी इच्छाओं के होते हुए भी कभी कभी स्वतंत्रता सरकारी नीतियों के आगे हिचकिचाहट पैदा करती है, जिसके कारण आवश्यक नीति का त्वरित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है. लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे स्वतंत्र की गरिमा को बरकरार रखने एवं दिखाने के लिए किया जाता है कि वास्तविक शासन जनता है, राज्य नहीं. The press as a whole and in this technical and restricted sense is thus pretty free in a peaceful Britain. Press पूर्ण अर्थ में इस तकनीकी एवं प्रतिबंध के साथ ब्रिटेन में बहुत स्वतंत्र है. There is no shade of political opinion that the junta somehow contrive to express itself. यदि स्थिति शांत हो, कोई भी राजनैतिक पहलू नहीं होते जिनका स्वतः प्रकाशन नहीं होता. But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoy the large liberty of being a forum of public opinion. लेकिन यदि हम यह समझते हैं कि प्रेस का कोई भी एक अंग अपने इच्छानुसार जनहित में कार्य करने को स्वतंत्र है, we are gravely mistaken. तो यह हमारी भूल है. Every newspaper is shackled to its own set of overlord and in its turn like the unmerciful servant exercises a powerful bondage upon its readers and on the public generally. प्रत्येक समाचार पर शासकों का अंकुश है और वक्त आने पर वह एक दर्शनीय सेवक की भांति पाठकों और खासकर जनता पर शक्तिशाली बंधन डालता है. Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of politics opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it. वस्तुतः हम कह सकते हैं कि लोकमत की स्वतंत्रता पर यह बड़ा प्रतिबंध प्रेस द्वारा लिखित प्रतिबंध नहीं होता, बल्कि प्रेस का यह अनधिकारित प्रतिबंध है लोकमत को बाधित करने का. The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. किसी भी लोकप्रिय दैनिक पत्र का संपादकीय अंश मुख्यतः दो तथ्यों से निर्देशित होता है. The first is the interest of the advertisers from whom it gets the money
which enables it to keep up its large circulation. पहला विज्ञापनदाताओं का हित जिनसे उसे अपने पत्र को प्रचालन करने में मदद मिलती है. No widely circulated newspaper dares support public policy, however much in the national interest that might conflict with the vested interest of its advertisers. बड़े स्तर पर चलाने वाले कोई भी पत्र लोक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं कर सकता जो राष्ट्र हित में है, क्योंकि वह उसके विज्ञापन दाताओं के हित के विरुद्ध हो सकता है. Thus, any proposal to control the marketing of branded goods, as for example of margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic ground by the paper that carry the branded advertising. इस तरह किसी प्रचालित उत्पाद का बाजार नियंत्रण करने का प्रस्ताव, उदाहरण के लिए मरगेरिन 1939 में हो, तो उसका प्रबल विरोध होगा. स्वस्थ का हवाला देकर उस पत्र द्वारा जो उस उत्पाद का प्रचालन है. On the other hand, any product that refuses to pay the high advertising rate of a powerful national organ will be against, on the highest moral and hygienic ground, denounced, smashed, and driven off the market. Yet you are not allowed to use any product that disassociates itself from the advertising ring. दूसरी तरफ यदि किसी प्रसिद्ध दैनिक पत्र को कोई उत्पाद विज्ञापन का अधिक कर देने से इनकार करे, तो पुनः उसी स्वास्थ्य का हवाला देकर उस उत्पादन को बाजार से बाहर कर दिया जाएगा. All this is understandable since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue. आप उस उत्पाद का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जो इस विज्ञापनों से अपने को अलग रखा हो. Every newspaper lives in a perpetual precarious balance. It must increase its sales to justify its advertising rate and to increase its sales. It must sell itself far below the cost of production. But if it sells more copy than its advertising will pay for, it faces financial disaster. ये सभी समझने योग्य है. कोई भी पत्र यदि अपनी बिक्री के भरोसे है, तो वह आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा. सभी समाचार पत्र सतत एक खतरनाक संतुलन से गुजरता है. वह अपने विज्ञापन दर को उचित ठहराने के लिए अपनी बिक्री में वृद्धि करता है. इसके लिए वह अपनी लागत से भी कम दर पर बिक्री करता है. लेकिन यदि वह अपने विज्ञापन मद में आए पैसे से अधिक बिकता है, तो वह आर्थिक परेशानी झेलता है. Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subserve vested interest. परिणाम स्वरूप अधिक प्रसार हेतु अधिक निहित स्वार्थ का ध्यान रखना पड़ता है. This means that the cheap daily paper, which goes everywhere and has most influence, is far less free than the more expensive weekly or monthly, which draws a higher proportion of its revenue from sales. इसका अर्थ होता है कि सस्ता दैनिक पत्र जो हर जगह पहुंचता है और अपना प्रभाव रखता है, वह अधिक महंगा साप्ताहिक और साप्ताहिक और दैनिक से
कम स्वतंत्र है, वह अपने आय का अधिक प्रकाशित बिक्री से प्राप्त करता है। देयरफॉर इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच हु कैन अफोर्ड द रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। अतः वह केवल तुलनात्मक रूप से संपन्न है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्राय देता है। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर्स। समाचार पत्र का दूसरा मुख्य आय का स्रोत उस आदमी या कंपनी की संपत्ति है जो उसे साधारण करता है। स्वाभाविक तौर पर उस पत्र की नीति उसके मालिक की इच्छा और राजनीतिक लाभ के हित में रखकर बनती है। द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मे बी द सिग्नल फॉर द अनलिशिंग ऑफ अ virulent campaign in every organ which be controls against the minister or the party which has disappointed his ambition। उदाहरण के तौर पर सरकार की नियुक्ति या सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यदि कोई पत्र असफल रहता है तो यह एक बात का संकेत है कि गलत कार्यवाही चल रही है उन प्रत्येक अंगों द्वारा जो उनके नियंत्रण में है। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बियास बिहाइंड द अटैक एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ द लंदन एंड प्रोविंशियल प्रेस इन द हैंड ऑफ द सिंगल मार कोड combined sees only that great number of what appear to him to be independent organs are united in a single sewage and persistent condemnation। यह मुहिम उस मंत्री या दल के विरुद्ध में होती है जो उसके हित की अनदेखी करते हैं। जनता इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि क्या कुछ लंदन या प्रांतीय पत्रों के मालिक या उसके समूह के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र दिखने वाले ये सभी अंग भी सभी के कठोर नियंत्रण में बंधे होते हैं। Unless he is exceptionally shrewd, exceptionally cynical, or of exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced and having his violent vote influenced, and it is odd that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him। जब तक वह अति चालाक जीती और दृढ़ नहीं होता तब तक वह प्रभाव डालने में सफल नहीं हो सकता है और उसका मत प्रभावी नहीं होता और यह दुर्भाग्य है। ओके, हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, पहला का होगा ट्रू। सेकेंड, there is no internal censorship on the press। second ka hoga false, proprietor have their personal interest as well। third ka hoga true, advertiser contribute to the revenue of the newspaper। aur fourth ka bhi hoga true। But still more serious because
more subtle than the control applied to individual paper by various kind of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinion which it disseminates. लेकिन इन सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि किसी खास दैनिक पत्र पर इसके समाचार और मत पर प्रेस द्वारा नियंत्रित और कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है. The control rests upon and exploits two basic assumptions about the public. A. That they have not the wit to distinguish truth from falsehood. B. That they do not care at all that a statement is false, provided it is titillating. यह नियंत्रण मुख्य रूप से लोकमत के दो अनुमानों को नष्ट कर देता है. पहला ए यह कि वह सत्य और असत्य के भेद को नहीं जान पाता, और दूसरा बी यह कि वह नहीं जान पाता कि कोई कथन बिल्कुल असत्य है जो बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. कोई अनुमान सफल नहीं हो पाता भाषा के उस भेद को पाने में जो निजी तौर पर neither assumption is flattering, and indeed between the language used privately by the late Lord Northlife about his British leader and the language used publicly by Hitler about his German leader, there is very little to choose. Right. जो बहुत कोई अनुमान सफल नहीं हो पाता भाषा के उस भेद को पाने में जो निजी तौर पर स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ अपने अंग्रेज पाठकों के लिए प्रयोग करते हैं और हिटलर सार्वजनिक तौर पर जर्मन पाठकों के लिए करता है. Both assume that readers can be made to believe anything. दोनों समझते हैं, दोनों का मानना है कि पाठकों को किसी भी बात का विश्वास दिलाया जा सकता है. The result is that accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, परिणाम है सधा हुआ संवाद जो पुराने रिवाज के स्वतंत्र समाचार पत्रों की गरिमा है. Has largely given place to reporting, which is the best slipshod and a worse tendentious. उसकी वजह असावधान एवं पश्चाताप तो पूर्ण संवादों का आ जाना होता है. I should like to illustrate to quite trivial example drawn from personal experience the various ways by which both fact and opinion can be distorted so that a kind of smear of unreal is spread over the whole newspaper page, from report of public affairs down to the most casual items of daily gossip. मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन बातों की व्याख्या करना चाहूंगी जिनके द्वारा किसी तथ्य या मत का रूप बिगाड़ा जाता है ताकि एक झूठ की दरिया समाचार पत्र के पूरे पृष्ठ पर बहे. इन समाचारों में जनता से संबंधित बातें या रोजमर्रा की बातचीत होती है. First sensational headline, false emphasis and suppression of context. संवेदनशील शीर्षक, झूठा दबाव और तथ्य के दबाना. This year, 1941 at the
Malvern conference, I read a paper dealing with the theological grounds for the church concerned with politics and sociology, with the complementary danger of pietism and Caesarism, and with the importance of incarnation doctrine in this connection. इस वर्ष 1941 मेलबर्न सम्मेलन में मैंने राजनीतिक और समाजशास्त्र के संबंध में संदर्भ में चर्चा के धार्मिक आधार के विषय पर अपना पत्र पढ़ा, जो व्यक्तिगत सोच को ज्यादा प्रश्रय देते तानाशाही रवैये और अवतार के सिद्धांत पर था. Out of 8,000 words, some 250 dealt with the connection between Caesarism and an undue emphasis placed on sexual as contrasted with financial morality. 8,000 शब्दों में से 250 शब्द तानाशाही एवं सेक्स पर अनावश्यक जोर का आर्थिक एवं नैतिक मूल्यों से तुलनात्मक वर्णन था. This quite subsidiary paragraph was reported everywhere under sensational headline in such a manner as to convey that this passing allusion formed the whole subject matter of my address. इस अंश का प्रकाशन लगभग हर जगह एक संवेदनशील शीर्षक के तहत हुआ, मानो यह उदाहरण ही मेरे वक्तव्य की पूरी विषय वस्तु. Out of 8,000 words about theology, the reporter picked the only one which they presumed their readers capable of understanding, to wit, fornication. 8,000 शब्द में जो धर्म से संबंधित ब्यौरे थे, उनमें से संवाददाता को सिर्फ एक शब्द पसंद आया और उसे लगा कि उसके पाठक उसे बखूबी समझेंगे. यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट. उसमें संवाददाता को सिर्फ एक ही शब्द पसंद आया और उसे लगा कि उसके पाठक उसे बखूबी समझेंगे. आई विल हाउएवर ऐड फॉर यू कंफर्ट दैट दिस रिपोर्ट वाज नॉट मेड एज यू माइट वेल सपोज बाय द प्रेस मैन फ्रॉम योर फेवरेट पेपर स्पेशली सिलेक्टेड for this understanding of ecclesiastical affair. वह शब्द था बलात्कार, अविवाहित के बीच शारीरिक संबंध. आप पाठक इसे पसंद करेंगे. You our reader will appreciate. आप पाठक इसे पसंद करेंगे. मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह संवाद आपके प्रिय दैनिक के संवाददाता द्वारा नहीं किया गया, जैसा कि आप समझते हैं. एज यू माइट वेल सपोज, विशेषकर धर्म के मामले में उसकी समझ के कारण. यह पूरी गलत बयानी एक समाचार एजेंसी के द्वारा अथवा किसी एक संवाददाता के द्वारा चुना जाता है. एंड द इंडिविजुअल एडिटर व्हेन रिमोन्स्ट्रेट विथ वर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेन टू
dissolve responsibility, जो उसकी लापरवाही का एक नमूना है, सॉरी एजेंसी के द्वारा किसी एक संपादक के द्वारा चुना जाता है. This is how you learn what happened public meeting, जो कि उसकी लापरवाही का एक नमूना. इस तरह से आपको जो कुछ पढ़ने के लिए मिलता है वह आम सभा में होता है. टू गार्बलिंग, दिस इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर. कूड़ा करकट, यह प्रेस भेंटकर्ता का खास रोजगार है. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले आई वॉज आस्क्ड व्हाट वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर. मेरे पिछले ड्रामा के प्रकाशन पर मुझसे पूछा गया भविष्य की आपकी क्या योजना है, आपने क्या प्लान बनाया है. आई रिप्लाइड दैट, मैंने आंसर दिया, मैंने उत्तर दिया, आई नेवर मेड प्लान, कि मैं कभी प्लान नहीं बनाती हूँ. दैट आई प्रिफर्ड राइटिंग प्लेज टू नोवेल, दो नोवेल पेड बेटर एंड दैट फाइनेंशियल consideration notwithstanding if the opportunity to write a play were to present itself. For example, another commission for the Canterbury festival, I should undoubtedly write it. मैंने उपन्यास की जगह ड्रामा लिखने को प्राथमिकता दी, यद्यपि उपन्यास अधिक पैसा देते हैं और यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं. ड्रामा लिखने का अवसर मिला, उदाहरण के लिए कैंटेबरी फेस्टिवल के लिए कमीशन है, मैं निसंदेह वह लिखूंगी. आई शुड अनडाउटली राइट इट, मैं निसंदेह इसे लिखूंगी. This reply duly appeared in, यह जवाब प्रेस में कुछ इस तरह से छपा. Miss Siren said she would write no more play except on commission. सुश्री शायरन ने कहा है कि वह कोई ड्रामा नहीं लिखेंगी कमीशन के अलावे. Bland perversions of this kind, together with the interviewer's playful habit of making a statement himself and attributing them to this victim, make reporter interviews singularly unreliable reading. संवाददाता की इस तरह की स्वेच्छाचरित एवं लेख एवं खिलवाड़ से कि वह स्वयं संवाद गढ़ लेता है, साक्षात्कार की सूचना को अविश्वसनीय बनाता है. One must allow for the pressman's vivid imagination. किसी को भी प्रेस के आदमी को तरह तरह की कल्पना की छूट देनी चाहिए. I remember reading with interest that my eyes glittered behind my glasses when making some remark or other. Since that particular interview was given by telephone, I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power. मुझे याद आता है कि इस संवाद को पढ़ते समय मेरी आंखें ऐनक के पीछे चमक उठी जब टिप्पणी करते हुए, क्योंकि यह साक्षात्कार दूरभाष पर दिए गए थे. मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि शायद संवाददाता दोहरी ग्लास लगाया होगा.
दोहरी ग्लास लगाया होगा या ज्यादा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र रखा होगा। बट द लास्ट बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज हैज बीन रिटन बाय क्यू इन फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो। दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग दे आर हॉल्टेड एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग। लेकिन अंत में सबसे अच्छा सब प्रेस साक्षात्कार में लिखा गया था क्यू फ्रॉम अ कार्निश विंडो। वे लोग जिनका विश्वास है कि जनता का आचरण सब कुछ कह देता है, वे सूचित किए जाते हैं कि पढ़ें एवं सचेत हो जाएं। थर्ड, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। Some time ago, a daily paper reported that my flat had been broken into the previous day and that I had returned from, I think they said, Oxford in time to disturb the thieves. तथ्य का गलत संप्रेषण। कुछ समय पूर्व एक दैनिक ने लिखा कि मेरा घर पिछले दिन तोड़ दिया गया क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड से वापस आई थी और चोर को दिक्कत पहुंची। दिस वॉज ट्रू इनफ एक्सेप्ट दैट एवरी डिटेल्स वॉज रॉन्ग। यह सत्य था हालांकि पूरा वर्णन गलत था। द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन अलेज्ड। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी एंड द इंट्रोड्यूस्ड intruder had been disturbed not by me but most likely by the newspaper boy. घटना 3 दिन पहले की थी जब मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं बल्कि किंग्स गार्डन पार्टी में थी और घुसपैठियों को मुझसे दिक्कत नहीं हुई थी बल्कि संभवतः समाचार पत्र देने वाले लड़के से हुई थी। The interest here lies in the probable reason for the misstatements. मजे की बात इस तरह से बयान के गलत तर्कों से निहित है। The date had to be changed to conceal the fact that the news was already cold and I was substituted for the boy, presumably for my greater snow value. घटना की तिथि इसलिए बदल दी गई थी कि घटना पुरानी हो चुकी थी और उस सच को छुपाना था। The altered date was a bad blunder. Buckingham Palace would have adored the tale to so much better advantage. ठीक है, घटना की तिथि इसलिए बदल ली गई थी कि घटना पुरानी हो चुकी थी और उस सच को छुपाना था। लड़के की जगह मुझे रखा गया था, शायद मेरे महत्व को देखते हुए तिथि का बदलना एक भयंकर भूल थी। बकिंगम पैलेस शायद कहानी के लिए ज्यादा बेहतर होता। प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट ऑन समन्स फॉर अनशैडेड लाइट्स अ लेटर ऑफ माइन वॉज रीड बाय द bench explaining that my servant had carefully drawn the curtain but that there had proved unfortunately to be a defect in the curtain themselves. तथ्य को बदलना। तथ्य को कैसे बदलते हैं हम लोग। रोशनी को कम नहीं करने के संबंध में आए नोटिस के जवाब में मेरा पत्र अदालत में पढ़ा गया।
उसमें कहा गया था कि मेरे नौकर ने सावधानी पूर्वक पर्दा को खींच दिया, लेकिन जैसा कि साबित हुआ पर्दे में ही कुछ गड़बड़ी थी। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड मिस शायर्स सेड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रा द कर्टेन। दिस वॉज कैलकुलेटेड टू cause pain and distress to my servant, but why should anybody care? स्थानीय दैनिक ने इसे लिखा, मिस सेयर्स ने कहा है कि नौकर पर्दा को खींचना भूल गया था। इस बात ने मेरे नौकर को आहत किया, लेकिन इसकी परवाह कोई क्यों करे? रैंडम एंड ग्रेटुएशस इन्वेंशन विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, अ स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर सर्टेनली इन्फॉर्म्ड इट्स रीडर दैट टू ऑफ माय फेवरेट हॉबीस्ट वर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। व्यर्थ और इच्छापूर्ण आविष्कार। बगैर मुझसे मिले और पूछे एक छोटा गप्पी पत्र ने अपने पाठकों को सूचित किया कि मेरे दो महत्वपूर्ण शौक हैं, बागवानी करने का और बिल्ली पालने का। I don't see why anybody should want to know my hobbies। मैं नहीं समझती कि किसी को मेरा शौक जानने की क्या जरूरत होगी। But if they do it would surely be better to mention the right one। और अगर यह जानना भी चाहेंगे लोग तो भी उसे सही जानकारी मिलनी चाहिए। This choice was peculiarly unfortunate। यह क्वेश्चन बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। If there is anything I detest, it is gardening, and although my household always includes a necessary cat which lives in the kitchen and I supposed to catch mice I have little to do with it except to remove it and its hairs from the chair and cushions and open the door for it from time to time under protest। यदि किसी चीज से मुझे दुराव है तो वह है बागवानी। यद्यपि मेरे घर में आवश्यक ही बिल्ली रहती है जो रसोई में रहती है और उम्मीद की जाती है कि चूहे पकड़ेगी, मेरा उससे मगर संबंध है तो इस बात भर की उसे और उसके बालों को कुर्सी और तकिए से अलग करना और कभी कभी समय समय पर उसके विरोध में उसके लिए आवाज दरवाजा खोल देना। Shortage of domestic staff has since constrained me to live on more intimate terms with the cat। घरेलू नौकरों की कमी के कारण मुझे बिल्ली के ज्यादा नजदीक रहना पड़ता है। But if he is a hobby, then so are the handyman and the daily women। लेकिन यदि वह एक शौक है तो बस वह दच आदमी और वह दैनिक मजदूरी। Deliberate miracle mongering। It was recently reported in various local paper that in a public ad I had delivered some 20,000 words in the space of an hour and a quarter। जोरदार चमत्कार का व्यवसाय।
कुछ समय पहले क्षेत्रीय समाचार पत्रों में छपा कि एक जनसभा में मैं 1.25 घंटे में 20,000 शब्द बोली। This would in any case have been impossible. किसी भी हालात में यह असंभव होगा। Actually, the reporter had the full text of my speech in his hands and could have seen for himself that it consisted of almost exactly 8,000 words. वास्तव में संवाददाता के हाथ में मेरे पूरे भाषण की कॉपी थी। काश उसने देखा होता कि उसमें बिल्कुल 8,000 शब्द थे। The error was thus precisely 150% and useful finger on which the base one's estimate of truth in reporting. इस तरह गलती मात्र 150% थी, जिसके आधार पर किसी ने अपनी कल्पना शक्ति पर आधारित करके रिपोर्ट तैयार किया। Of these six forms of misrepresentation, the first two are the most dangerous. There is no remedy against them. इन छह प्रकार की गलतियों में पहला जो दो सबसे अधिक खतरनाक है, there is no remedy against them. उनके सुधार के कोई उपाय ही नहीं है। They do not come within the narrow range of the law of libel, for the misrepresent a man's attitude and opinion is no offense. वे किसी कानून के दायरे में नहीं आते, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और मत को गलत तरीके से दर्शाने के जुर्म के तहत कहीं आते। No could one readily persuade a jury that a lie had been told about one, since a sort of formal veracity in details is used to convey a totally false impression of the speaker's word as a whole. कोई भी न्यायिक बेंच को विश्वास नहीं दिला सकता कि उसके प्रति झूठ का प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसी के वक्तव्य के पूरे वर्णन के क्रम में इस तरह की छूट का समावेश है। Consequently, it is next door to impossible to secure either correction or apology which brings us to. इसलिए इस तरह के वारदातों के लिए सुधार एवं क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं बनती जो हमारे साथ होता है। फ्लैट सप्रेशन, लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट मे बी रिटेन, सीधे सीधे दबाना, विरोध पत्र लिखे जा सकते हैं। दीज मे बी इग्नोर्ड, बी प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and that the speaker must not expect to monopolize the whole of the paper, valuable space, C, answer privately by the editor, a mano aver that there is nothing to correct the false impression left in the public mind. ये पत्र या तो A, नजरअंदाज कर दिए जाएंगे, या B, सूचित किए गए शब्द वास्तव में कहे गए थे, और वक्ता को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पत्र का पूरी कीमती पृष्ठ उसके मन मुताबिक होंगे। सी, संपादक द्वारा व्यक्तिगत रूप में उत्तर दिया जाना जनसमूह के दिमाग में भरी गई गलत बातों को नहीं बदला जा सकता।
only occasionally and usually from a provincial paper does one receive full apology and correction. मात्र कभी कभी किसी क्षेत्रीय पत्र द्वारा पूरी तौर पर क्षमा याचना की जाती है और सुधार किए जाते हैं. Let me quote, honorist causa a note written to me from an editor of the older school. एक सम्मान भावना को मैं उद्धृत करना चाहूंगी. एक संपादक द्वारा मुझे पत्र लिखा गया. Thank you for your letter, which we thought it out duly to print. We try to preserve our reputation for balanced news. आपके पत्र के लिए धन्यवाद. उसे छापना हमने अपना कर्तव्य समझा. अपनी गरिमा बनाए रखने हेतु संतुलित समाचार छापने का हम प्रयास करते हैं. Here are three old-fashioned words: duty, reputation, balance. Do they still represent that what the reader demands or expects from Fleet Street? यहाँ तीन पुराने प्रचलन के शब्द लिखे गए हैं. कर्तव्य, प्रसिद्ध और संतुलन. ये दर्शाते हैं कि अभी भी फ्लिट ट्रिस्ट के लोग ऐसा चाहते और उम्मीद करते. टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इंटेल इन एनी केस अ हेवी एंड एग्जॉस्टिंग एफर्ट ऑफ कोरेस्पोंडेंस फॉर द फॉल्स हुड मे बी सिंडिकेटेड all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers. किसी गलत फहमी का सुधार किसी भी हालत में कठिन और थकाने वाला प्रयास होगा, क्योंकि कोई भी झूठ रातों रात पूरी दुनिया और हजारों पत्रों में जा चुके हैं. In addition, if one makes a fuss or ventures to accuse the newspaper of lack of veracity, there always lurks in the background the shadow of general blackmail. यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक ब्लैकमेल की भावना कार्य करती है. Any public person, writer, a speaker, actor, politician, It's subtly made to feel that if he offends the press, he will suffer for it. कोई भी जन नेता, लेखक, वक्ता, नायक, राजनीतिज्ञ हो तो उसे यह महसूस कराया जाता है कि यदि वह प्रेस के विरुद्ध गया तो उसे इसकी खामियाजा भुगतनी होगी. No threat, of course, is openly uttered, but books and plays may be unfavorably noticed or silently ignored. Allusion, sneering, though not actually libelous, may crop up in the gossip column. A thousand hints will be quietly conveyed that the press can make a break reputation. बेशक प्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी नहीं दी जाती, लेकिन पुस्तक और नाटक गलत तरीके से देखे या नजरअंदाज किए जा सकते हैं. प्रसंग जो वास्तव में विपरीत नहीं होते, गपशप के माध्यम बनाए जा सकते हैं. हजारों युक्तियां प्रकट की जा सकती हैं, जिनमें स्पष्ट हो कि प्रेस चाहे तो छवि बना या बिगाड़ सकता है. Books which venture to criticize the press are therefore rare, not as it easy to find a paper honest enough to print an article on the subject.
पुस्तकें जो प्रेस के विरुद्ध कुछ कर सकती हैं या उनकी आलोचना कर सकती हैं बहुत कम है। यदि इस पर कोई कुछ लेख लिखना चाहे तो इसके लिए पेपर मिलना आसान नहीं है। स्पीचेस मे बी मेड ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल ओनली अ केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंसेस और सो विल फंड इट्स वे into the paper under some such headlines as Bishop seeks to muzzle press or MP attacks press liberty। बेशक भाषण दिए जा सकते हैं लेकिन वे अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन्हें पूरी तरह छापा नहीं जाएगा। केवल कुछ नपे तुले शब्द होंगे जैसे कि बिशप ने प्रेस का मुंह बंद करना चाहा या एमपी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया। इंडीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस इज ग्रीटेड बाय अ कंसर्टेड हाउल। दिस इज अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सच में गैर जिम्मेदार कार्यों के विरुद्ध कुछ करने का हल्का प्रयास भी एक बड़ा परिणाम ला सकता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा है। No wonder that within 3 days lately the Archbishop of York and a minister of the crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscretion, we cannot control the press। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दिनों के भीतर आर्कबिशप और मंत्री को पत्रकारिता की मनमानी और गलत बयानी के लिए यह कहना पड़े कि हम प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते। The particular example I have given are, you will say, of very small importance। आप कहेंगे जो कुछ उदाहरण मैंने दिया है वो बहुत साधारण है। True that it what makes them so symptomatic and so disquieting। सचमुच ये सचमुच सब कुछ ही उन्हें कल्पनाशील एवं स्वेच्छाचारी बनाते हैं। They do not show any direct wresting of the truth towards a propagandist end। Against such attempts their readers may with a little mental effort efficiently arm himself। वे प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं करते, वे सधे हुए तरीके से अपनी कारगुजारी चलाते हैं। उनके संवाद के हर दंश मारने वाले और अशांति फैलाने वाले होते हैं। वे अपनी तरफ से वास्तविकता और सच्चाई के सभी बंधन को मोड़ देते हैं। What they do clearly show it an all pervading carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most trifling item of news, a smuggling and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of deceit, mistrust। वे अपनी तरफ से वास्तविकता और सच्चाई के सभी संबंध को तोड़ देते हैं। यह अविश्वास का माहौल पैदा करता है। He that is unfaithful in little is unfaithful also in much।
If a common court case cannot be correctly reported, how are we to believe the reports of world events? वह जो छोटी बातों में अविश्वसनीय है, वह बड़ी बात में भी अविश्वसनीय है। यदि एक साधारण अदालत की बात को वह सही सही नहीं सूचित कर सकता, तो विश्व घटना के मामले में वह कैसे विश्वसनीय हो सकता है? If an interviewer misinterprets the novelist whom we have all seen, what does he do with the foreign statement whom we have never seen? यदि एक साक्षात्कारकर्ता एक उपन्यासकार के बारे में गलत व्याख्या दे सकता है, जिसे कि हम सभी जानते हैं, तो किसी विदेशी राजनयिक के संदर्भ में वह क्या करेगा जिसे हम नहीं जानते? If a paper can be convicted of false, emphasis, garbling, inaccuracy, reversal of the fact, random invention, miracle mongering, and flat suppression in cases where such distortions are of advantage to nobody, what are we to suppose about those cases in which wasted interest are closely concerned? यदि कोई पत्र गलत दबाव, गलत बयानी, तोड़ मरोड़, तथ्य पलटना, गलत आविष्कार और चमत्कारिक प्रेशर, सच को छुपाना आदि जैसे कार्य करता है जिसे आम लोग को कोई विशेष हानि नहीं है, तो उन मामलों में क्या होगा जहां अधिक हित छुपा हुआ है? And above all, what are we to make of a assumption on which all this is based, that the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous to even resent it? और सबसे बड़ी बात यह कि तब तक हम उनके इन अनुमानों की पुष्टि करते रहेंगे, कब तक हम उनके इन अनुमानों की पुष्टि करते रहेंगे कि पाठक इतने मूर्ख हैं कि झूठ को नहीं पकड़ सकते और विरोध नहीं कर सकते। Decent journalists do not like the present state of affairs. अच्छे पत्रकार वर्तमान व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, और नहीं कोई जिम्मेदार संपादक, nor do the more responsible editor, but the number of editors and journalists who can maintain a high standard of duty, balance and reputation in the face of pressure grows less day by day. लेकिन वैसे संपादक और पत्रकार जो कर्तव्य संतुलन और ख्याति को बनाए रखते हैं, उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। It is difficult for any paper that represents its news soberly to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. कोई भी पत्र जो सही मार्ग पर चले तो उसका चल पाना कठिन है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र वैसे प्रेस रखते हैं जो लायक हो। But supposing the reader does care about accuracy, does he resent contempt for his intelligence? Does he want the truth that is said and done? What a steps is he to take? Right. लेकिन मान लीजिए कि पाठक सही रूप से ध्यान रखता है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार रोष प्रकट करता है, वह कथनी और करनी की सच्चाई को जानता है, तो क्या कदम वह उठाएगा? How is he to get at the fact which are withheld or smothered under these mountains of distortion and
ऑब्जर्विटी, वह कैसे सच तक पहुंचेगा इस तरह की त्रुटियों और बुराइयों के पहाड़ों के बीच। हाउ इज टू मेक हिज विल फेल्ट, किस तरह वह अपनी अनुभूतियों को प्रकट करेगा। इज ही टू राइट एंगरली लेटर और ट्रांसफर हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। क्यों वह रोष भरा पत्र लिखेगा, यह एक अंग से दूसरे अंग तक अपनी दौड़ लगाएगा। विल एनीबॉडी केयर इफ ही डज, यदि कोई ऐसा करे तो क्या कोई उस पर ध्यान देगा। दे विल केयर इफ ही प्रोटेस्ट इन सफिशियंट नंबर, वे लोग ध्यान देंगे यदि वे अधिक संख्या में विरोध प्रकट करें। बट दिस पेनी इज अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। लेकिन इसके सिक्के अंतर्निहित स्वार्थ एवं लगाए गए रकम के सामने तुच्छ है। हिज हेल्पलेसनेस इज अ मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस इंजॉयज, बट इज द रीडर फ्री। उसकी असहायता स्वतंत्रता का मापदंड है जिसका आनंद प्रेस उठाते हैं, लेकिन क्या पाठक स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। द कॉमन हैज अ वोट इन पार्लियामेंट, संसद में मत के एक समानता है। ही हैज अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव हुम ही कैन बैगर एंड हेकल एंड हूज टेनर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट। वह एक संसद प्रतिनिधि रखता है जिसे वह नियंत्रित और शोषित कर सकता है, क्योंकि उसका कार्यालय उसके मत पर निर्भर करता है। इफ ही लाइक टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ अ डेमोक्रेसी ही कैन हैव क्वेश्चन आस्क इन द हाउस। In the last resort, he can destroy one government and make another. यदि वह अपने लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करे तो संसद में प्रश्न कर सकता है, एक सरकार से दूसरी सरकार बदल सकता है। But there is no machinery by which he can control the organ which mould opinion. लेकिन उसके पास ऐसा कोई मशीनरी नहीं है जो मत को नियंत्रित करने वाले अंग को नियंत्रित कर सके। फॉर दैट दिस सोल रिसोर्स इज अ पेनी अ डे एंड दिस नेटिव विट एंड विल। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विद द क्राई, लेट द पीपल नो द फैक्ट, बट परहैप्स फैक्ट इज अ डाइटी invoked by the people only in the last emergency when the easy gods of peace have failed them। उनके लिए उसके पास एक पैसा, एक दीन और क्षेत्रीय बुद्धि और इच्छा है। आपातकाल के स्थिति में समाचार पत्र सबसे पहले चिल्लाते हैं, जनता सच्चाई से अवगत हो, लेकिन शायद सच्चाई तो एक देवता है जो जानता है कि जो जनता की अपील है, जो वह अंतिम आपातकाल में करती है जब सुलभ शांति की देवी असफल हो जाती है।